आंध्रे लैंडफॉल किंतु ओडिशा रे पड़ प्रभाव विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे अधिक प्रभाव पड़ बात्या मिग्जाउन एवं धीरे धीरे ताहा घनीभूत होउची आउ किछ समय भितरे ताहा घनीभूत होकर एक भीषण बात्यार परिणत होबाकु जाउची आपण जहाँ प्रभाव तार प्रभाव कौन रहिबो एवं वर्तमान तार स्थिति कौन से नहीं को अधिक आलोचना करिबा आम सहित अच्छा आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र वैज्ञानिक उमाशंकर दास सर वर्तमान मुझे चित्र देखा चाहेबी चित्र जो वर्तमान तार स्थिति कौन रही आउ के घनीभूत वर्तमान तार स्थिति कौन रही देखते बर्तमान से देखा ये आम अंचल रोच चेन्नई पाखापाखि 110 किलोमीटर दूर से पूर्व उत्तर पूर्व दिगरे बर्तमान केन्द्रीभूत रही है यहाँ जो अंचल रोच मुख्यतः भाव में देखा यहाँ दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर तथा आम उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र उपकूल समुद्र मध्य बर्तमान केन्द्रीभूत रही है गत 6 घंटे जो देखा पाखापाखि घंटा प्रति 10 किलोमीटर बेगरे ये अग्रसर होता सहित जड़ित देखा मेघ समूह आम देखते बर्तमान समय देखिए आभ्यंतर ओडिशा रु नै आमर आंध्र एवं तमिलनाडु रे वर्षा रो प्रभाव रही यार एवं खास करके या प्रभाव रे जो बाह्य बल रोचे या देखा ओडिशा रे जो दक्षिण ओडिशा रे खास करके मालकानगिरी कोरापुट ए जो पोर्शन रोचे गजपति गंजाम रायगढ़ ये सब जिला रे आमे आज भारी वर्षार संभावना रोचे ता सहित ए जो जिला गुडीकर अनेक स्थान रे हालुका मध्यम धरण वर्षा मध्य रहिबो आसंता काली जत्ते बळे ये धीरे धीरे भीषण बात किसी समय मध्य भीषण बात्यार रूपातरित होगा ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिखे गति कर आसंता काली सका ठार् जिते धीरे धीरे सामान्य उत्तर आड़ को गति करने सहित आमर जो आंध्र उपकूल रोचे पखापाखि समांतर भाव गति कर नेल्लोर आउ मछलीपाटनर बाप्टलम पखापाखि अंचल को पूर्वान समय यह स्थलभाग अतिक्रम कर संभावना रही परवर्त समय यह उत्तर आंध्र दे गति कर जार प्रभाव में 6 तारीख पर्यंत राज्यर किसी जिले में भारी वर्षार संभावना पूर्वानुमान जारी कर जेहेतु बर्तमान बाह्य बल रही बर्तमान सिस्टम भी सक्रिय रही प्रभाव में आज संध्या ठार् आमर जब ओडिशा उपकूल आखपाख अंचल देखा पवन में 35 रु 45 किलोमीटर पर्यंत रहिबार संभावना रही सहित मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ यूँ तीनोटी जिला रोचे से पवन 30 रु 40 किलोमीटर बेग रही जो 5 तारिखे आम गंजाम है गजपति जगत सिंहपुर पुरी यो 4 जिला रोचे से पवन 35 रु 45 किलोमीटर पर्यटन रोक 5 तारिखु आम 6 तारिख जाए समुद्र उपकूल पाखापाखि जो अंचल मत्स्यजीवी मान बारण कर तार मुख्य कारण हूँ पवन रेग धीरे धीरे वृद्धि पाई 40 रु 50 किलोमीटर सर्वाधिक 60 किलोमीटर पर्यटन रहिबार संभावना रही तेणु आज संध्या ठार् आमर 6 तारिख जाए समुद्र अशांत रु अत्यधिक अशांत होबार संभावना रही लक्ष्य करके यही समय मध्य मत्स्यजीवी मान संपूर्ण भाव बारण कर बंदर गुड़िक जो रही बर्तमान से प्रभाव देखते बर्तमान जेहतु सिस्टम गोटे रही समुद्र मध्य जो बंदर गुड़िक जो जहाज छाड़े साधारण भाव में सूचना जारी कर जोटा कि आम वर्तमान समय विपद संकेत 2 जारी कर तार अर्थ हूँ डिस्टेंस रे गोटे सिस्टम समुद्र मध्य वर्तमान सक्रिय रही गुड़िक जब आप बंदर रु समुद्र मध्य जहाज गुड़िक जाऊँगी ये सूचना को गुरुत्व हिसाब से नहीं था 6 तारीख पर सारे पाग पर 7 तारिख में भी आम कि जिले में हालुका मध्यम धरण वर्षा रहीपुर धीरे धीरे पाग पुणी फिटो बोली आम अनुमान कर निश्चित भाव में आपड़ शुणुते बात्यार प्रभाव किभली भाव में रहिबो कारण वर्तमान तार स्थिति एठी रही धीरे धीरे ताहा गति करिबो एवं गति करिकि आसंता काली पूर्वान्न बेलकु ताहा लैंडफॉल करिवार संभावना रही प्रभाव में दक्षिण ओडिशा समेत उपकूल ओडिशा बा संलग्न जिला गुड़िक वर्षा मध्य हम वर्षा सहित पवन बेग 30 रु 40 किलोमीटर बेगर बहब से समुद्र अशांत रहिबार संभावना रही मत्स्यजीवी मानक 6 तारीख पर्यंत समुद्र बारण कर सबु बंदर रे 2 नंबर विपद संकेत जारी करा जाएगी। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन पद्मलोचन शत्रुघ्न विश्वाल नंदी घोष टीवी।